मित्रों, यह जो आप जगह देख रहे हैं, यह जगह एक दिन जंगल मात्र हुआ करती थी और यहाँ का जो पूरा परिदृश्य था उसकी वजह से वहाँ दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन पिताजी का विजन था कि उन्होंने इस जगह को चुना और शुरुआत की यहाँ पर एक छोटे से बैठके से। फिर धीरे 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 यहाँ पर कुएं के रूप में एक ट्यूबवेल लगाया गया, जो आज ये बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये उसी ट्यूबवेल के इर्द गिर्द बनी हुई एक इमारत है, जिसकी संकल्पना संभवतः पिताजी ने ट्यूबवेल के बहुत बड़े कमरे को बना करके किया था। दूसरी तरफ जो आप बैठका देख रहे हैं, कभी वहाँ एक छप्पर हुआ करता था। छप्पर के पीछे जो नाला था, उस नाले की स्थिति इतनी गहरी थी कि अगर गलती से भी कोई उसमें चला जाए तो वह बच नहीं सकता था। ये पूरा जो जंगल का दृश्य था, परिदृश्य था, उसके पीछे पिताजी ने कितना श्रम किया, कितनी मेहनत की, किस तरह से उसको संवारा, सजाया, और आज ये पूरे के पूरे उस जंगल को मंगल के एक रूप में परिवर्तित करने में उनका जो सपना था वह हम लोगों ने धीरे धीरे मिलकर के इसको किया है। और ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो उनकी बैठक थी, उसी की जगह पर हमने ये बहुत ही हवादार बैठक बनाई थी और उस बैठक का वो इस्तेमाल करते थे। वह उनका अपना एक सेंटर था जहाँ पर पवस्त के लोग, आसपास के लोग निरंतर आते जाते रहते थे। और ये पहचान डॉक्टर साहब के घर के पहचान के रूप में चिन्हित हुई थी। आज वही पहचान सुदृढ़ करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और उसको वह कितनी उन्नत हो, कितनी अच्छी हो, कितनी उत्तम हो, इसका मैंने निरंतर इसमें यत्न किया है। उनके देखा था ना, व्यक्तित्व से जो लोग भी वाकिफ हैं वो यह जानते हैं कि वह समाज में अपने श्रम, अपनी सोच, अपने विचार की वजह से जाने जाते थे। उनका जो पेशा था वो एक डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे और इसी नाम से उनको वहाँ के लोग पुकारा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।